ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल टू अटेम्प्ट डेली क्विज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑल पीजी एग्जाम लिंक इज अवेलेबल इन दिप्शन बॉक्स हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जीनियस अकेडमी ट्वेंटी सिक्स नवम्बर की क्विज का सोल्यूशन देखिए फर्स्ट है फाइंड द असेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स तो सबसे पहले जो गीवन इक्वेशन है उसको अगर मैं डिवाइड कर लू वन हंड्रेड ट्वेल्व से बोथ साइड तो क्या हो जाएगा ये ये हो जाएगा एक्स स्केयर बाय सिक्सटीन वाई स्केयर बाय सेवन इक्वल टू वन अब, हाँ, अब आप अब आप जनरल इक्वेशन से इसको कंपेयर कीजिए ए स्केयर आपका सिक्सटीन है बी स्केयर आपका सेवन है वी नो दैट एसेंट्रिसिटी क्या होता है ऑफ एलिप्स वन माइनस बी केयर ओवर ए स्केयर तो आपको पता है वन माइनस बी केयर आपका सेवन है ए स्केयर सिक्सटीन है तो सिक्सटीन माइनस सेवन ओवर सिक्सटीन तो सिक्सटीन माइनस सेवन आपका नाइन हो गया ओवर सिक्सटीन तो फाइनल इज थ्री बाय फोर असेंट्रिसिटी की जो वेल्यू है वो है थ्री बाय फोर नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ये आपके पास इक्वेशन दी है आपको बताना है कितने सोल्यूशन है तो सबसे पहले वी नो दैट टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई ओवर वन माइनस एक्स वाई ये फॉर्मूला होता है इफ एक्स वाई आपके क्या होना चाहिए लेस देन वन होना चाहिए तो अब फॉर्मूला इसमें डालिए क्वेश्चन में इक्वल टू इक्वल हो जाएगा ये टेंजेंट इनवर्स एक्स टेंजेंट इनवर्स वर्स वाई का जो एडिशन है वो होगा टेंजेंट इन वर्स एक्स है आपका थ्री एक्स वन माइनस टू एक्स मल्टीप्लाय थ्री एक्स इक्वल टू पाई बाय फोर तो ये हो जाएगा फाइव एक्स और वन माइनस सिक्स एक्स का स्क्वायर और ये जो टेंजेंट है इस तरफ जाएगा तो टेंजेंट पाई बाय फोर हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स दूसरी तरफ जाके टेंजेंट फाइव बाय फोर हो जाएगा जो कि कितना होता है वन अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो ये कितना हो जाएगा वन माइनस सिक्स एक्स केयर इक्वल टू तो फाइव एक्स तो ये हो गया सिक्स एक्स केयर प्लस फाइव एक्स माइनस वन इक्वल टू तो जीरो हम यहां पे स्प्लिटिंग करेंगे सिक्स वन सा प्लस फाइव चाहिए तो ये प्लस का ये माइनस का डिवाइड बाय सिक्स डिवाइड बाय सिक्स ये वाली चीज तो फाइनल जो एक्स की वैल्यू है माइनस वन और प्लस वन बाय सिक्स अब दो सोल्यूशन आया अब हमें चेक करना है ये कंडीशन क्लियर तो कंडीशन क्या है पहला है एक्स इज इक्वल टू माइनस वन और एक्स इज इक्वल टू वन बाय सिक्स तो एक्स माइनस वन है तो हम क्या करेंगे कंडीशन चेक करनी है एक्स वाई लेस देन वन होना चाहिए एक्स मेरा टू एक्स है वाई मेरा थ्री एक्स है लेस देन वन एक्स की वैल्यू वापस डालिए या यहाँ पे ऐसे कहिए कि सिक्स हो गया ये सिक्स एक्स स्केयर लेस देन वन एक्स आपका माइनस वन है तो माइनस वन का स्केयर वन ही होता पॉजिटिव ही होता है तो छोटा हो गया वन से विच इज नॉट पॉसिबल क्लियर तो ये तो रिजेक्ट हो गया अब बचाइए इसको भी चेक कर लेते हैं एक्स वाई लेस देन वन एक्स माइनस एक्स टू एक्स है और थ्री क्लियर लेस देन वन होना चाहिए तो थ्री टू सिक्स ये भी एक्सर लेस देन वन ये हो जाएगा सिक्स और वन बाय थर्टी सिक्स तो वन बाय सिक्स लेस देन वन तो सेकेंड आ गया वन बाय सिक्स लेस देन वन है विच इज पॉसिबल तो क्या हो जाएगा आपका एक्स इज इक्वल टू वन बाय सिक्स ओनली वन सोल्यूशन नेक्स्ट है आपको बताना है मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन एक्स बिलोंग्स टू आर दिया है वी नो दैट ये आपको अगर पता है कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिकल मीन से होता है अर्थमेटिकल मीन ए प्लस बी डिवाइड बाई टू और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है अंडर रूट ए बी अब हम वैल्यूज पुट करेंगे थ्री एक्स प्लस दो आपके ए ये है बी क्लियर थ्री एक्स थ्री की पावर एक्स प्लस थ्री की पावर वन माइनस एक्स ओवर टू होल अंडर रूट थ्री की पावर एक्स मल्टीप्लाई थ्री वन माइनस एक्स ये है तो आपको पता है क्या करना है थ्री एक्स प्लस थ्री वन माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू ये आप बेस सेम कर लो पावर एड कर दो ये बच्चा रूट थ्री तो बस आपका फाइनल आंसर क्या आ गया कि इसमें पूछा है मिनिमम वैल्यू आपकी कितनी होगी ये वाली होगी तो टू रूट थ्री आपकी मिनिमम वैल्यू अल्फा एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू अल्फा एंड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले दी है तो समी प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय होता है तो अगर हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू रूट्स क्या है टू अल्फा एंड टू बीटा तो सम ऑफ रूट क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा अल्फा इज टू अल्फा बीटा इज टू बीटा दैट मीन्स टू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस फाइव दैट मीन्स माइनस फाइव इंटू टू माइनस टेन सिमिलर प्रोडक्ट ऑफ रूट टू अल्फा इंटू टू बीटा दैट मीन्स टू टू ज अल्फा इंटू बीटा सेम है अल्फा बीटा इज सिक्स तो फोर इंटू सिक्स आपका ट्वेंटी फोर हो गया क्लियर है वी नो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स बाहर एक्स होता है प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू जीरो तो आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितने आए आपके माइनस टेन और माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा प्लस साथ में एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट प्लस ट्वेंटी फोर दैट मीन्स एक्स स्क्स टेन एक्स प्लस ट्वेंटी फोर आपका फाइनल आंसर लास्ट क्वेश्चन देखिए मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री लेस देन इक्वल टू टेन तो मॉड को कैसे लिखते हैं हम मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री अगर हटाना है मॉड तो लेस देन इक्वल टू टेन और यहाँ पे भी माइनस टेन और टेन के बीच होगा ये एक्स प्लस थ्री ठीक है तो एक्स अगर हटान थ्री यहाँ से हटा दोगे तो टेन माइनस थ्री इस तरफ और ये भी माइनस टेन माइनस थ्री दैट मीन्स माइनस थर्टीन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू सेवन तो बिल्कुल इजी था एक्स बिलोंग्स टू माइनस थर्टीन और सेवन आज के लिए इतना ही जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू वेरी मच